हेलो एवरीवन, आपने सुना होगा सेक्शन 304 बी के बारे में, आपने सुना होगा सेक्शन 498 ए के बारे में, सेक्शन 406 के बारे में और डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे हम लोग बात करेंगे और ये जजमेंट इन सारे एक्ट से रिलेटेड है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्ञान और आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव ज्ञान। और आज का जो ये वीडियो है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे बेस है, जिस पे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी 304 बी पे, उससे जस्ट अपोजिट है। तो मैंने कहा कि आपको इसको अपडेट करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोग को बना के बता दूँ। तो जो धारा 304 बी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं दहेज के कारण मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उस केस को सॉलिड आपको बनाना है तो उसके लिए आपको पहले जो स्त्री होगी या उसके परिवार वालों की तरफ से कम 498 ए का मुकदमा ससुराल वालों के खिलाफ तो करना ही करना होता था। तो ये कंडीशंस होती थी, तब जाके 304 बी का केस आपका सॉलिड होता था। तो हाई कोर्ट ने वहाँ पे ये बोला था कि क्योंकि जो स्त्री थी उसकी मौत शादी के 8 महीने के भीतर ही हो गई थी, परंतु उसके परिवार वालों द्वारा या फिर खुद उस पत्नी के द्वारा किसी भी तरीके का 498 ए का मुकदमा पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ नहीं था। तो वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कंडीशन देखते हुए उस व्यक्ति को जमानत दे दी थी। अब यहाँ पे एक मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये 304 बी है इसको विधायिका में इसीलिए सम्मिलित किया गया था कि जो 498 ए दहेज की मांग के कारण जो क्रुएलिटी होती है पत्नी पे या फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके का हरेशमेंट किया जाता है वो बंद हो सके तथा उसकी हत्या रोकी जा सके, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया था 304 बी का। तो मौत के पहले जो पीड़िता है उसके खिलाफ अत्याचार के या फिर उत्पीड़न के सबूत हों आपके पास, साक्ष्य पहले से मौजूद हों, तो उस कंडीशन में प्राथमिकी दर्ज कराना, जो FIR लॉज होती है 498 ए मुकदमे की, उसे न दर्ज कराना कोई आधार नहीं हो सकता, जिसके कारण से कि किसी व्यक्ति ने दहेज हत्या की है या नहीं की है इस पे हम संदेह नहीं कर सकते। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही थी कि पीड़िता के मौत के पहले 498 ए दहेज उत्पीड़न का कोई शिकायत FIR दर्ज नहीं की थी, वो तर्क में अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके साथ इसमें ऐड करते हुए कहा है कि अन्य साक्ष्य आपके पास मौजूद हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि आप उसमें प्राथमिकी दर्ज कराएं ही कराएं, आप उसके आधार पर भी उन्हें सज़ा दे सकते हैं। और केस का नाम है प्रीतपाल सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।